हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि युग को लेकर वो लड़की जो थी बाहर की तरफ चली जाती है और वहाँ पर दिखाते एक बहुत बड़ा, मतलब कि समझ सकते हो डिज्नीलैंड लगा हुआ था, पार्टी मेला लगा हुआ होता है। वो एक बाइक पे होते हुए यू को लेके वहाँ पे पहुँच जाती है और बोलती है चलिए ठीक है हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो यू से बोलती है ये जो शहर है कभी भी नहीं सोता और इसको होली लैंड ऑफ नाइट एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, आज हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा करेंगे। लेकिन वो जैसे साइड में देखती है यू वहाँ पे नहीं होता, बोलती कि अचानक से ये कहाँ चला गया। लेकिन यू को दिखाते आगे जाके वो उल्टी कर रहा होता है क्योंकि उसे बाइक में जाने की या फिर किसी भी तरह के गाड़ी में सफ़र करने की हैबिट नहीं होती, आदत नहीं होती। वो लड़की सोच रही होती है ये इतना बड़ा हो गया और इतनी एक बाइक की राइड इसको बर्दाश्त नहीं होता, आखिर ये बंदा कैसा है। लेकिन ये बंदा चलो ठीक है जो भी है मुझे देखा जाएगा। यू जो था उसके पास आ जाता है, बोलता है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही अपना समझ के बात नहीं करें, हम लोग कुछ ही टाइम पहले मिले, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन साथ ही दिखाते वो लड़की जो होती है काफ़ी सैड हो जाती है और रोने समूह बना देती है और बोलती है कि तुमने मेरी पूरी पूरी बॉडी को देख लिया और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुम बहुत बड़े कमीने हो। लेकिन यू बोलते हैं ए रुको रुको, तुमने अपनी बॉडी खुद ब खुद मुझे दिखाई थी, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था, और वैसे भी तुमने तो बस अपना शोल्डर दिखाया था, अपना हाथ वैसा हाथ दिखाया था, उसमें भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। बोलती कि ठीक है मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए, चलो ठीक है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आ जाओ हम लोग आज साथ में मिलकर वहाँ पे खेलेंगे। वो यू बोलते अच्छा ऐसी बात, वैसे भी मुझे लगता है कि कभी कभी रिलैक्स करना भी अच्छा होता है। वहाँ पे मार्केट में वो लोग चले जाते हैं और सारे लोग बोल रहे थे वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, ये तो काफ़ी अच्छा है। और जो लड़की होती है बोलती कि प्लीज़ ये सब कुछ चेक कर लीजिए, हम लोग इसको लेने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है और सारे सामान को वो चेक करवा लेती है। यू बोलता है कि क्या तुमने जो कहा था वो यही है। लेकिन वहाँ पर जो शॉपकीपर हो तो बोलते कि प्लीज़ अपना जो कूपन है अपने पास रखिए और वापस ज़रूर से ज़रूर आइएगा। यू बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर आएंगे तो खेलेंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस मुझे सामान खरीद रही हो और मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर फील करा रही हो, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन वो बोलते कि आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन जो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक अजीब तरह का कूपन आ जाता है जिसके ऊपर सील लगा हुआ होता है। ये बोलता है प्रिपरेशन आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, बोलती कि आप पहले मेरे साथ आ जाओ। साथ ही बोलती है ये देखो हम लोग इस जगह पे आने वाले थे। ये बोलता है इस जगह पे, पर ये जगह क्यों। बोलती है कि जब तुम यहाँ पे अंदर आ जाओगे मेरे साथ तो तुम्हें सब कुछ के बारे में पता चल जाएगा। यू यूथ के लेके अंदर चली जाती है और वो जो कूपन होता है सामने खड़े बंदे को देखती है और बोलती है कि प्लीज़ इसको दो टिकट के बदले एक्सचेंज कर दो। बोलता है ठीक है आप थोड़ा सा वेट करिए। ये बोलता है कि जो तुमने इतने देर शॉपिंग किया वो बस यहाँ पर टिकट एक्सचेंज करने के लिए किया था। बोलती है कि ऑफ कोर्स ये जो गेम है ये किसी भी ऐसे वैसे बंदे को यहाँ पर एंट्री नहीं देता, आपको यहाँ पर आना है तो आपको टिकट एक्सचेंज करना होगा। कि उससे पता चलता है कि आपने इस जो मार्केट में है वहाँ पे कितना पैसा खर्च किया है जिसके बाद आप इस जो शॉप है ये जो गेम का सेंटर यहाँ पे आने के लायक हो या भी नहीं। ये बोलते हैं कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, आखिर इन लोगों ने ऐसा रूल क्यों बनाया। बोलते कि जो बाहर का एरिया है वो बस शॉपिंग एरिया है, लेकिन ये जो यहाँ पे जगह है ये इस जगह का असली हार्ट है, इस सिटी का हार्ट है और ये गेमिंग प्लेस है जो कि असली में इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैं तुम्हें यहाँ पे अपने साथ लेके आया, उसके बदले तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। यू बोलता है कि थैंक यू धक तेरी की, तुम मुझे इतना सारा सामान मेरे ऊपर लाद के आ रही थी और मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगा, चल निकलो। साथ ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि वाह ये तो काफ़ी अच्छा जगह, क्या इसी को कोर इंटरटेनमेंट एरिया कहते हैं। वहाँ पे दिखाते बहुत तरह का खेल कूद के सामान होते हैं, यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो लड़की भी बोलती कि देखा मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, ये जगह काफ़ी अच्छी है, आज यहाँ पर मैं सारे रिकॉर्ड जो भी है उन सबको तोड़ने वाली हूँ आज रात, और वो जो 7 कलर रिंग है उसको मैं ले लूँगी। यू सोच रहा था ये किसी रिकॉर्ड की बात करी और 7 कलर रिंग की बात करी, आखिर ये क्या कह रही मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो मेरे साथ चलो, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी अंदर जाके सब कुछ को स्टार्ट करना होगा, अगर हम लोग ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सामान भी जीत सकते हैं। यू सर मारा तो बोलता है चलो ठीक है इसके साथ जाने में कोई घाटा नहीं होगा। यू जो था उसके साथ वहाँ पे चला जाता है लेकिन बोरिंग गेम खेलता है, लेकिन उसके बाद उसे मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो बॉक्सर गेम खेलता है और उस बॉक्सिंग पंच को एक पंच में तोड़ देता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उस लड़की के पैसे जो थे उस बॉक्सर पंच वाले मशीन को देने में निकल जाते हैं। साथ ही वो लोग 10 रिंग्स फुल मार्क्स को खेलते हैं, यानी बंदूक वाला गेम को, जिससे कि 10 गोली में निशाना लगाना होता है। सारे बंदे उन सबका ये परफॉर्मेंस देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। वहाँ पे एक और मशीन के पास यू जाता है और खेलता है और न्यू रिकॉर्ड बना देता है, 9999 का रिकॉर्ड बना देता है। सारे बंदे जो थे वहाँ पे ताली बजाना स्टार्ट कर देते, बोलते ये तो एक न्यू रिकॉर्ड है। यू बोलते ये लोग यहाँ पे अचानक से ताली क्यों बजा रहे हैं। सारे बंदे उसको बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी अमेजिंग और लिटिल ब्रदर, तुमने तो यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया, मैं इस गेम को कितने सालों से खेल रहा था लेकिन अभी भी कोई भी जो रिकॉर्ड था हम सब तोड़ नहीं पा रहा था। एक बंदा जो था साइड में वो हंस रहा था, बोलते कि मास्टर पाओ का जो कलरफुल रिंग था वो फाइनली यहाँ पे कोई बंदा ले जाने वाला है। ये बोलता है कि रिकॉर्ड मास्टर पाओ कलरफुल रिंग, आखिर ये लोग बात किस बारे में करें, मैं तो यहाँ पहली बार आया मुझे कुछ समझ
नहीं आ रहा, लेकिन फाइनली दिखाते वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ना, तुम मेरा यहाँ पे मजाक उड़ाना चाहते हो, तुम जानते हो ना कि अगर वो जो कलरफुल रिंग है वो मुझे नहीं मिला तो मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, तुमने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए जो कि मेरे नाम होने थे और मेरे हाथ से जो मेरा कलरफुल रिंग है वो छीन लिया। ये बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, और यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो लोग कलरफुल रिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बोलती कि ऑब्वियसली मुझे वो चाहिए इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस जो रिंग है उसका क्या यूज है, और अगर मुझे वो सच में मिल गया तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। वो बोलती कि अच्छा सच में, क्या तुम सच में मुझे दे दोगे। लेकिन फाइनली वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, मतलब कि जो वहाँ ऑनर टाइप होता है जो कि संभालता है मैनेजर होता है वो आ जाता है। बोलते कि आई एम सॉरी, आप दोनों को कोई और चीज़ लेना होगा प्राइज के तौर पे, क्योंकि हम लोग रिंग नहीं दे सकते, रिंग अभी हम लोग के पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। वो लड़के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाए, बोलते कि क्यों, हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड थे उन सबको तोड़ दिया इसलिए हम लोग को रिंग चाहिए। वो बंदा बोलता है कि हम लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आप लोग उस रिंग के बदले में कोई भी जो रिवॉर्ड है प्राइज़ है वो ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो हम लोग आपको एक नहीं दो प्राइज़ दे सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा प्राइस भी मिल सकता है, आप जो चाहे ले सकते हो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, उन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग पहले जीत चुके हैं और जो रूल बना है वो रूल है और हम लोग को वो कलरफुल रिंग चाहिए। और साथ ही वो उसे बोलती है क्या तुम यहाँ पे सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, यानी जो न्यू रिकॉर्ड बनाएगा उसको रिंग ना देकर कुछ और दे दोगे, और इतने सालों से सबको बेवकूफ़ बना रहे थे। सारे बंदे बोलते हैं हाँ ये सही बोल रही है, हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा था, इसके पास रिंग है लेकिन ये किसी को देना नहीं चाहता। साथ ही बोलते जल्दी करो इसको रिंग वापस दो, इसको रिंग वापस दो, नाइट सिटी तुम कस्टमर को बुली नहीं कर सकते, इसको रिंग वापस कर दो। एक बंदा जो था उस मैनेजर के पास आता है, उसके कान में कुछ बोलता है, मैनेजर बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही बोलता है कि आप दोनों हमारे मास्टर पाओ, जो आपने आप दोनों को वहाँ पर इन्वाइट किया, अपने पास इन्वाइट किया, और वो लोग आपसे पर्सनली मिलकर आपको कलरफुल रिंग देना चाहते हैं। जो बोलता है कि मास्टर पाओ, अब ये मास्टर पाओ कौन है, वो उसे बताती है मास्टर पाओ जो इस सिटी का लॉर्ड है जो कि कभी भी नहीं सोता। लेकिन हम लोग को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले जाना और वो कलरफुल रिंग को ले आना है। साथ ही आगे जाते जाते वो जो मैनेजर होता है उन सबको एक कमरे का रास्ता दिखाता, बोलता है कि आप दोनों को यहाँ पे जाना होगा। वो लोग उस रूम में चले जाते हैं, लेकिन वो जैसे अंदर जाते हैं पीछे से वो बंदा जो है दरवाज़ा बंद करके चला जाता है, और वहाँ पे दिखाते हैं बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, उन सारे दरवाजों से बहुत सारे गुंडे आते हैं और उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फाइनली उनका जो मेन मास्टर होता है मास्टर पाओ वहाँ पे आता, रास्ता स्टार्ट कर देता, बोलता है कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और यहाँ पे क्या आ गया। देखो मैंने एक्सपेक्ट किया था दो बड़े बड़े बंदे आएंगे, पावरफुल बंदे आएंगे, लेकिन यहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं। साथ ही वो गुस्से के साथ बोलता है कि तुम सब ने आज रात के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और चाहते हो मैं कलरफुल रिंग तुम्हें सबको दे दूँ जो कि हमारे नाइट सिटी का एक स्पेशल ट्रेजर है। मैंने तुम लोग को बहुत सारे रिवॉर्ड दे के तुम लोग को यहाँ से भेजने की जो उम्मीद थी उस हिसाब से तुम लोग को प्राइज़ देना चाहा, लेकिन तुम लोग को और प्राइज़ चाहिए ही नहीं, तो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, अब तुम लोग को यहाँ पर मरना होगा। यू बोलते अच्छा क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे। वो बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है, अपना जो क्लॉथ होता है उसको उतारते हुए बोलता है कि तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई। ये बोलते हैं कि अच्छा चल समझा ही दो। साथ ही वो भी अपना पंच रेडी करता है। नेक्स्ट टाइम को दिखाते वो मास्टर पावर जितने भी बंदे उन सबको पीट देता है, और मास्टर पावर बोलता है कि सर ये रहा आपका कलरफुल रिंग, वो कलरफुल रिंग उसको दे देता है। ये बोलता है कि चलो ठीक है, चूंकि अगर तुम हमें ये रिंग पहले दे देते हो इतना ज़्यादा मारपीट यहाँ पे नहीं होता। बोलता है यस सर हम लोग को अपना जो लेसन है वो समझ आ गया, हम लोग आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये बोलता है चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वो कलरफुल रिंग लेके वो लोग उस मार्केट जो था नाइट सिटी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और वो जाते जाते वहाँ से पीछे चिल्ला रहे थे कि अगली बार भी वापस जरूर से ज़रूर आना। यू जो था उससे पूछता है, मतलब लड़की से पूछता है कि तुम इस कलरफुल रिंग को लेना क्यों चाहते हो, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है। बोलती है कि एक सीक्रेट है, मैं इसको तुम्हें बाद में बताऊंगी। लेकिन अंदर का सीन दिखाते वो लोग रो रहे होते कि उनका कलरफुल रिंग फाइनली उन लोग के हाथों से चला गया। यू जो था आगे जा रहा था, वो लड़की गाना गाते गाते आगे जा रही होती, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। बोलता है कि बात ऐसी है कि तुम पहले चले जाओ, मैं खुद ब खुद वापस चला जाऊँगा, क्योंकि वो उसके बाइक पर जाना नहीं चाहता। तो वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई, तुम फिर से उस बाइक पर राइड करने से डर रही है। ये बोलता है कि हाँ तुम्हें पता चल गया तो इन सबको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बोलती है चलो ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली, मैं खुद ब खुद यहाँ आपसे जा रही हूँ। उस लड़की का नाम जूली होता, तो यू जो था पीछे से बोलता है जूली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे आज यहाँ पे लाया और मुझे इतना अच्छा फील करवाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मेरा ये आज का दिन काफ़ी स्पेशल था। वो लड़की बोलती है चलो ठीक है, वैसे भी तुम्हें इन सबके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, और तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊँगी, ऐसा भी मत सोचना। यू बोलते हैं हाँ ठीक है वैसे भी मुझे तुम नहीं चाहिए। बोलती और कोई मजाक नहीं, मैं ऐसे
जा रहे हूँ, सी यू टुमारो डियर यू। और साथ ही उसे बाय बाय करते हुए उड़ते हुए अपने बाइक्स को लेके वहाँ से चली जाती है। ये बोलता है चलो ठीक है मुझे भी वापस जाना होगा, साथ ही वो सू करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो लड़की जो थी वहीं पे खड़े खड़े उसको देख रही होती, यानी वो लड़की कोई तो स्पेशल कैरेक्टर होने वाली है। साथ ही में नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जो कि मेरे इंस्टीट्यूट में होता है। वो लोग वहाँ पर बैठे होते, बोलते कि आप दोनों जो यहाँ पर आए हो आप लोगों को हमने रेसिपी दे दिया है, प्लीज़ आप इन सबको पढ़ के बता दीजिए। जो मिल्टन होता है उसको पढ़ रहा होता है, रेस्टोरेंट उसको बताता है कि मिस्टर मिल्टन क्या इस रेसिपी में कुछ गलती है। मिल्टन उसको बताता है ये रेसिपी के अंदर तो बहुत सारे कीज जो है वो मिसिंग है, और इसका जो रिएक्शन इक्विवेलेंट है वो भी किसी ने नोट नहीं किया था, हम लोग इसको कैसे करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी प्रिंसिपल हम लोग फार्मेसी में यूज करते हैं वो यहाँ पे इतनी आसानी से यूज नहीं होने वाले। रेसिपी बताता है कि मिस्टर मिल्टन आप सच में काफ़ी काबिल तारीफ है, आप तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस, आपने एक नज़र इसको देखा, आपने इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको पॉइंट आउट कर दिया। लेकिन हम लोग आपकी ये बात को मानते हैं कि इसका जो रिएक्शन का फॉर्मूला है वो गलत हो सकता है, लेकिन ये रेसिपी है वो एकदम करेक्ट है, ये मुझे विश्वास है। ये उस रेसिपी को देख रहा था, बोलता है कि इसका जो रिएक्शन फॉर्मूला इस रेसिपी में, और आखिर इन सबको देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन सबको मैं जानता हूँ। साथ ही बताता है कि ये रेसिपी जो है उसको लिखते हुए आपके लॉर्ड जो है वो याद करके लिख रहे थे, मतलब किसी चीज़ से देख के नहीं लिख रहे थे, वो अपने दिमाग में जो था वो लिख रहे थे। क्या मैंने सही बोला? बोलता है कि आपको मतलब प्रोफेसर यू को आप को ये सब कैसे पता। साथ ही बताता है कि जब हम लोग के लॉर्ड इस रेसिपी को बता रहे थे तो हम लोग इसको नोट डाउन किया, तो हम लोग को पता चला इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खामियां और गलतियां हैं, लेकिन क्या आप लोग बता सकते हो कि इस रिएक्शन में क्या गलती है? ये बोलता है नहीं नहीं जो मेन प्रॉब्लम है वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है। बोलता है आपका मतलब प्रोफेसर यू का इन सबसे क्या मतलब है? ये बताता है कि रेसिपी और रिएक्शन जो फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन जो रियल फॉर्म प्रॉब्लम है वो रिएक्शन के कंडीशन पे है, क्योंकि तुम लोग जो अभी करंट जो रिएक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हो इस रेसिपी का उस हिसाब से अगर बनाओगे तो ये जो पोर्शन है वो कभी भी कम्प्लीट नहीं होगा। बोलता है अच्छा ऐसी बात है, इसलिए मुझे लगता है इन 3 सालों में हम लोग को कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिला, हम लोग इस मेडिसिन को नहीं बना पाए। तो बोलता है कि प्रोफेसर यू क्या आप इन सब को प्रॉब्लम को फिगर आउट कर चुके, तो क्या आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप इस मेडिसिन को बना सकते हो? ये बोलते हैं 90% श्योर है, क्योंकि मिल्टन ने कहा था ना इस जो मेडिसिन का जो रेसिपी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो मुझे इसको बार बार ट्राई करना पड़ेगा और फेल हो सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बोलता है चलिए ठीक है, मैं आपको जो ये न्यूज़ मुझे दिया आपने वो न्यूज़ मैं लॉर्ड को सुना के आता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन ये बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हें तभी हेल्प करूँगा इस मेडिसिन को क्लियर करने में जब ये मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम मुझे अपने लॉर्ड के पास ले जाओगे। बोलता है हाँ ये तो नेचुरल है, मैं जानता हूँ कि जब मैं ये लॉर्ड को बताऊँगा तो लॉर्ड खुद ब खुद ही इन सबको मान जाएंगे और वो अपने सेवियर से मिलना जरूर चाहेंगे। ये बोलता है अच्छा सेवियर। साथ ही बोलता है प्रोफेसर यू आप मुझे गलत मत समझना, मेरा जो जवान है थोड़ा बोला इधर उधर फैल मतलब कि फिसल जाता है, ये जो मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लॉर्ड के लिए, अगर आप लोग मदद करोगे इस मेडिसिन को कंप्लीट करने में तो नेचुरली आप हमारे एक सेवियर बन जाओगे। साथ ही बोलता है कि आप लोग अब रेस्ट करिए, हम लोग यहाँ से जाकर ऑफिशियल काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के जो फॉर्मूला उसको आगे बढ़ाएंगे। मिल्टन उसे बोलता है योर हाइनेस क्या आप सच में श्योर हो? ये बोलता है कि नहीं मुझे पक्का तो विश्वास नहीं, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो बोलता है यूस जो होता है उसे बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे श्योर हूँ कि मैंने ये जो रेसिपी है कहीं पे पहले लिखा हुआ देखा है। मिल्टन बोलता है आपने इसे देखा है? आपने इसको किस बुक में देखा है? क्योंकि मैंने फार्मेसी से जितने भी बुक इतने सालों पढ़े उन सब में किसी के बारे में किसी भी बुक में इन सब सारे रिकॉर्ड के बारे में मैंने नहीं सुना था। यू मन इवन सोच रहा था ये जो रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ ये थर्ड सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, हो ना हो इसके पीछे थर्ड सिविलाइजेशन का काम हो सकता है। और शिक्षा जो एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।